वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होगे, ठीक होगे। और यहाँ पे आज मेरे पास कोई नहीं है, आज मैं हूँ अकेली घर पे। सच्ची बात है, मैं एक सेकंड में उधर दिखा भी देती हूँ, देखो उधर फिलहाल। कोई नहीं है, सब चले गए और मैं अकेली रह गई। नहीं, मैं दुकेली रह गई। दुकेली ऐसे ये रहा हम सबका साथी, हमें कभी भी अकेला नहीं रहने देता। हम में से कोई भी घर पे अकेला होता है तो ये हमारे साथ हमेशा रहता है, हमेशा। बस एक यही है जो कहीं नहीं जाता, बाकी हम सब कहीं ना कहीं घूम के आ जाते हैं। इसको हम अगर बाई चांस लेके भी जाना चाहते हैं तो ये खुद ही नहीं जाता, पता नहीं। तो ये आज फिर से उदास है, देखो इसको मैंने बस एक बार बोला, इसको मुंह पकड़ के सिर्फ एक बार बोला कि मम्मी अभी आ रही है, रोना नहीं है, चुप करके यहाँ बैठ जाओ। बस आया, बैठ गया और ये तब से मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हो गए इसको मेरे साथ बैठे हुए ऐसे। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वरना इसने अगर शोर मचाना शुरू कर दे, क्योंकि ये फिर चू 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 इस तरीके से करना शुरू करता है तो फिर उसके बाद तो मैं कह रही हूँ सारी जो वॉइस है वो सब इसके सामने फेल हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आप लोग ऐसे बात कर ली जाए इस टॉपिक पे भी कि यार अगर हम घर में एक डॉगी रखते हैं तो क्या उसको हमेशा अकेला छोड़ के जाना या उसको कहीं पर भी लेके जाना अच्छी बात है या नहीं है। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज मैं 2 मिनट लूँगी, ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, छोटू सी वीडियो आपके लिए लाऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है कैंडी, जैसे कि आप सभी को पता है इसका नाम है कैंडी। ये बहुत छोटा सा था, तकरीबन 15-20 दिन का था, हम इसको ले आए थे क्योंकि इसकी जो मम्मी थी वो इन सारे डॉग्स को खा रही थी, काट रही थी, भगा रही थी अपने से दूर। तो मनराज के पापा जो है अपने फ्रेंड से इसको ले आए थे, ठीक है। तो तब से ये हमारे पास ही है। अगर इसकी कोई पुरानी पिक मुझे दिखेगी तो मैं साथ में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि बहुत ही छोटू सा था। इसके शायद आंखें खुले हुए मुश्किल से 2-4 दिन हुए होंगे, ये तभी हमारे पास आ गया। तो जब से ये हमारे घर में आया, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर का सब चीज़ चेंज हो गई कि हमारे घर में एक रौनक आ गई। एक बच्चे की जो कमी थी, ये मनराज से पहले आया था, तो एक जो बच्चे की कमी होती है कि भाई हाँ घर में एक चहल पहल होनी चाहिए, हम बड़े आपस में बस बात करते रहते, कोई खेलने वाला नहीं, कुछ नहीं, तो इसने वो सारी कमी हमारी पूरी कर दी। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसके साथ एक जानवर की तरह ट्रीट किया है, ये हमारे लिए एक इंसान के बच्चों के 2 पैर होते हैं यार, इसके 4 पैर हैं। ये हमारी ज़ुबान नहीं बोल सकता लेकिन समझा सारी चीज़ें देता है। तो मेरे ख्याल से कि हमें किसी जानवर को अगर हम पालते हैं तो आई थिंक उसे हमें बच्चों की तरह रखना चाहिए, ना कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो एक जानवर है। जब हम मार्केट जाते थे, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये इस बात सच है, जब हम मार्केट जाते थे तो जब मनराज नहीं था, खैर उस टाइम की बता रही हूँ मैं, तो जब हम मार्केट जाते थे तो मनराज के पापा अरे कैंडी देखेगा यार कि कुछ लाए नहीं है, चलो उसके लिए कुछ ले जाते हैं, चलो पेस्ट्री ले जाते हैं, कभी इसके लिए बॉल लेकर आ गए, कभी हम इसके लिए चॉकलेट ले गए, चॉकलेट भी बहुत खुश होकर खाता था, तो चॉकलेट ले आए, पेडिग्री इसको 1-2 बार खिलाई तो ये पेडिग्री का दीवाना हो गया तो पेडिग्री ले आए, फिर कभी कभी हम इसको अंडा वगैरह उबाल के देते थे तो हम इसके लिए अंडे ले आते थे कि चलो। उस टाइम पे हम लोग अंडा वगैरह नहीं खाते थे, उस टाइम दिमाग में ये बात चल रही थी कि यार प्रेगनेंसी अगर चाहिए मुझे तो मुझे गर्म चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब ये अलग टॉपिक है, खैर इसके बारे में बात करूँगी। तो इसके लिए अंडे वंडा ले आते थे, कई बार उबाल लेते थे घर लाके, लेकिन कभी कभी बाहर से ही लेकर आ जाते थे। तो हमने इसका पूरा ध्यान दिया है, तो आज ही हमारे बिल्कुल अगर मनराज भी आ गया ना तो ये नहीं है कि हमारा इसके प्रति कोई प्यार कम हुआ है या कुछ, नथिंग। ये तो हम सबकी जान है, अगर कोई हम तीनों में से इसको डांट देता है तो बाकी 2 तीसरे को पड़ जाते हैं कि क्यों डांट रहे हो इसको। ये बहुत उद्यमी था। मनराज के आने के बाद इसको पता नहीं कैसे भगवान की तरफ से इसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं बड़ा हो गया हूँ,
मनराज है वो छोटा है, तो इसकी शैतानी बहुत ज़्यादा कम हो गई। और ये मम्मी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मम्मी को कहीं पर भी नहीं जाने देता। और अभी भी देख लो हमारे, ये देखो ये तकिए पे लेटा हुआ है, और मैं इसे यहाँ से नहीं हटाऊंगी क्योंकि हम इसको नहलाते धुलाते हैं हमेशा, साफ सुथरा करके रखते हैं। और ये कभी बाहर गंदगी में नहीं जाता, गंदगी में मुंह नहीं मारता कि मैं इसे ये बोलूँ कि नहीं ये गंदा डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, चलो चलो बाहर निकालो। बस ये थोड़ा सा, इसकी कोई ब्रीड नहीं है, ठीक है तो ये स्ट्रीट डॉग, बट ये नहीं है कि ये बाहर गलियों में घूमता है, दूसरे गंदे कुत्तों के साथ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है फ्रेंड्स, इसके असल में सच वाले फ्रेंड जो होते हैं, डॉग का एक फ्रेंड डॉग ही हो सकता है ना, लेकिन इसके छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे फ्रेंड हैं। कभी आएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलाऊंगी, ये उनके साथ बाहर घूमने भी जाता है। तो गाइज़ मेरा सिर्फ कहने का इतना ही मतलब है कि अगर आप किसी जानवर को पालते हैं तो प्लीज़ उसके साथ पूरा जो है, जैसे वो आपके साथ एक वफादारी निभाता है तो प्लीज़ उसके साथ वफादारी निभाइए। ये ना हो कि अगर बाई चांस वो कभी काटने लग गया या उसकी कोई हैबिट गंदी हो गई, क्योंकि कई डॉग्स की ऐसी हैबिट हो जाती हैं कि वो गंदगी में मुंह मारने लग जाते हैं, उसमें इन लोगों में कई तरीके की ऐसी बीमारी आ जाती है। अभी मैं इसके सामने नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कहते हैं ऐसे कि जानवर के सामने नाम नहीं लेना चाहिए, तो काफ़ी तरह की इनको बीमारी भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको उठा के फेंक देंगे, बाहर रख देंगे, ना यार, क्योंकि इनका हमारे अलावा कौन है, एक बार सोच के देखो। तो इसलिए अगर ये हमारे साथ वफादार है, तो मैं कह रही हूँ जैसे हम इंसान एक दूसरे से वफादारी निभाते हैं, मोस्टली अब तो निभाते नहीं है लेकिन फिर भी जब भी जो भी निभाते हैं, प्यार रखते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ रखते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ रखते हैं, वैसे ही हमें इनके साथ भी रखना चाहिए। हमें इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज अभी मैं इस टाइम अकेली हूँ ना, तो मुझे अकेलेपन महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरे साथ है, मुझे पता है कि ये मेरे साथ है। तो मजाल है कि कोई चिड़िया भी अगर हमारे घर में घुस जाए, तो मैं बहुत अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ सिर्फ इसकी वजह से। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके आसपास अगर आप कोई बाहर के डॉग को भी बाहर अगर दूध वगैरह देते हैं, कुछ देते हैं, तो उसको भी थोड़ा सेफ करके रखिए, उसके साथ भी जो है वफादार रहिए, उसके साथ कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग ना होने दें, क्योंकि वो अगर आप उसको एक बाइट दोगे ना, तो मैं कह रही हूँ वो आपकी इतनी वफादारी निभाएगा कि आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपको गली के कोने से भी पहचान लेगा। तो डॉगीज हो, कैट हो, कोई भी हो, हमने पहले कैट भी रखी थी, तो उसमें वाइट कलर का एक मेल कैट थी, वो यार इतना अच्छा था बिलीव मी, बट मैं थोड़े दिनों के लिए मम्मी के पास चली गई तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, भाग गया यहाँ से। तो हम सब बहुत रो रहे थे, वो आया ही नहीं, लेकिन उसके बाद मेरा कैंडी आ गया और इसने सारी हमारी जो है कमी पूरी कर दी है ना। देखो कितना उदास हो रहा है मम्मा के बिना। मम्मी चाहिए, मम्मी आई नहीं मम्मी अभी, हाँ छोड़ के चली गई तुमको, मैं बच्चा देखो मेरे बच्चा मेरी जान है मेरी जान। तो मनराज भी इसे बहुत प्यार करता है, ये मनराज को भी बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। खैर आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कि एनिमल्स को भी सेव करो, उनसे भी प्यार करो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। आज कोई व्लॉगिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ छोटू सा मैसेज दिया आप लोगों को कि एनिमल्स को भी सेव कीजिए। बाय।